हाउ टू रजिस्टर्ड हेमकुंड साहिब ई पास। अगर आप हेमकुंड साहिब की यात्रा करना चाहते हैं और उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह बहुत ही आराम से घर बैठे बैठे ही हेमकुंड साहिब के लिए अपना ई पास जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप सभी को मालूम है, उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा चल रही है और एक और धाम है जिसे पांचवें धाम के नाम से जाना जाता है, वो है हेमकुंड साहिब। काफ़ी लोग हेमकुंड साहिब भी जाना चाहते हैं और अब सरकार ने उसका एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब आप बहुत ही आराम से ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से उसका ई पास बना सकते हैं। पहले मैं आपको वो अपडेट दिखा देता हूँ और देन मैं आपको ई पास क्रिएट करके भी दिखाऊँगा। ये देखिए, ये हेमकुंड साहिब का वो अपडेट है जो कि न्यूज़पेपर में आ चुका है। हेमकुंड साहिब को ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो चुका है। उत्तराखंड की पांचवी धाम के रूप में पहचान रखने वाले सिखों के प्रमुख तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए पंजीकरण व स्लॉट की बुकिंग शुरू हो गई है। श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई से श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं, जिसके लिए गुरुवार 19 मई से ऋषिकेश से पहला जत्था खाना होगा। और देखिए, यहाँ इन्होंने एक लिमिटेशन दे रखी है कि एक दिन में 5,000 श्रद्धालु हेमकुंड में दर्शन कर सकते हैं। जिस तरह आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री में इन्होंने एक लिमिट लगा दी, ठीक इसी तरह इन्होंने हेमकुंड साहिब में भी 5,000 श्रद्धालुओं की लिमिट लगाई है। श्री हेमकुंड साहिब में चार धाम की तर्ज पर धाम की कैपेसिटी के हिसाब से दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित की गई है। श्री हेमकुंड साहिब धाम में एक दिन में अधिकतम 5,000 श्रद्धालु दर्शन करेंगे। और उसके बाद की देखिए पूरी नीच उन्होंने दे रखी, बाकी अभी यात्रा शुरू नहीं हुई लेकिन 20,000 श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन पंजीकरण भी करा लिया है। तो अगर आप हेमकुंड की यात्रा करना चाहते हैं, आपको इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से पंजीकरण करना होगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप ऑफलाइन के चक्कर में ना रहे, क्योंकि अगर ऑनलाइन स्लॉट फुल हो गए तो आपको ऑफलाइन भी स्लॉट नहीं मिल पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर हम किस तरह हेमकुंड साहिब के लिए यात्रा का पंजीकरण करेंगे। और मैं आपको जिस वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ उस वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ क्लिक करके वेबसाइट को ओपन करके अपना पंजीकरण उसी हिसाब से कर सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वो साइट है जिसके माध्यम से आप चारों धाम या हेमकुंड साहिब का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन कर सकते हो। इसके बारे में वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, आप चाहें तो मेरा पहला वीडियो भी देख सकते हैं। तो जो मैं अब रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ हेमकुंड साहिब का, क्योंकि जो हेमकुंड साहिब के कपाट है वो 22 मई को खोल रहे हैं, जिसकी जानकारी मैंने आपको स्टार्टिंग में दे दी है। तो इस वेबसाइट पर देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ रजिस्टर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको अपना नेम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ टूर ऑपरेटर, इंडिविजुअल या फैमिली, आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इन तीनों में कुछ भी मुझे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। और यहाँ अपना पासवर्ड देखिए, कन्फर्म पासवर्ड क्लिक करने के बाद साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए यहाँ मैं अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ देखिए, मैंने अपना नाम लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया और अब की बारी मैंने यहाँ टूर ऑपरेटर सेलेक्ट किया। आप यहाँ देखिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है या फैमिली सेलेक्ट करना है। आप चाहें तो फैमिली यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जा रहे हैं तो आप फैमिली के साथ ही अपन जा रहे होंगे। और इसके बाद यहाँ पासवर्ड का ऑप्शन है, मैंने पासवर्ड फिलअप कर दिया। मैं सीधा साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करती देखिए मेरे रजिस्टर मोबाइल पर एक OTP आएगा, इसे मैंने ओके कर दिया है। OTP मेरे पास आ चुका है, OTP मैंने यहाँ डाल दिया। मैं सीधा वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ मेरे सामने मैसेज आ चुका है कंग्रेचुलेशन का, मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा, कैप्चा कोड भरने के बाद सीधा साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, कैप्चा कोड डाल दिया, अब साइन इन वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो देखिए आपके सामने कुछ इसी तरह का इंटरफेस आता है। तो सबसे पहले तो आपको अपना यात्रा की योजना बनानी है, यानी जो भी आप यात्रा कर रहे हैं उसकी योजना आपको यहाँ बनानी है। तो यहाँ देखिए मैं यात्रा योजना बनाने वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड न्यू टूर, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने सेलेक्ट टूर टाइप का ऑप्शन आएगा। यहाँ चार धाम दे रखा है और भी ऑप्शन आपके यहाँ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ आप टूर का नेम लिख सकते हैं, जो भी आपका टूर नेम है। तो ये जो मैं ई पास बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ हेमकुंड साहिब के लिए, तो यहाँ से मैं हेमकुंड साहिब लिख देता हूँ। और यहाँ देखिए नीचे आपको डेट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप यहाँ क्लिक करिए। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने डेट का ऑप्शन आ जाता है,
तो फिलहाल मैं जून की कोई एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जो ये मई की डेट है इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ अवेलेबल होगा। हम फिर भी देख लेते हैं। यहाँ मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। तो अभी फ़िलहाल हेमकुंड साहिब में ई स्लॉट अवेलेबल है, बाकी जो चार धाम है यहाँ देखिए चार धाम में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ये ऑलरेडी फुल हो चुका है। लेकिन जो हेमकुंड साहिब है उसकी यात्रा 22 तारीख से शुरू हो रही है, वो सारी की सारी सीटें यहाँ अवेलेबल है। तो आप किसी भी डेट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करिए यहाँ से मैं 26 तारीख को जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसका यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ। मैंने स्लॉट देख ली है और यहाँ से मैं 26 से 28 ये तीन डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। जब आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑटोमेटिकली ये विंडो ओपन हो जाती है और यहाँ आपको दिखाई देता है कि इसमें स्लॉट अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ देखिए क्लिक नहीं होगा, यहाँ केवल आपको दिखाई देगा कि स्लॉट अवेलेबल है या नहीं है। तो चलिए इसको यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आपको हेमकुंड साहिब को सिलेक्ट करना है और किस तारीख को आपको यहाँ पहुँचना है वो तारीख आपको यहाँ मेंशन करनी है। तो यहाँ मैं अभी देखिए मैंने यहाँ पर कुछ नंबर नहीं डाले हैं, तो चलिए यहाँ फिलहाल मैं एक नंबर डाल देता हूँ कि मैं अकेला ही जा रहा हूँ। इसके बाद हम इस पे आते हैं और मैं 27 तारीख में हेमकुंड साहिब पहुँच जाऊँगा। 27 तारीख मैंने सेलेक्ट कर ली है। अब मैं सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। लेकिन अगर आपका कोई और धाम है, जैसे मान लीजिए आपको बद्रीनाथ जाना है या केदारनाथ जाना है या यमुनोत्री जाना है, तो आप यहाँ ऐड पे क्लिक करके उन धाम को यहाँ ऐड कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से डेट भी सेट कर सकते हैं। तो इसको फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये जो मैं पास बना रहा हूँ केवल हेमकुंड साहिब के लिए बना रहा हूँ। तो मैं सीधा सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए ये मेरा सक्सेसफुली सेव हो चुका, यानी जो मेरा टूर था उसकी डेट यहाँ फिक्स हो चुकी है। अब आपको देखिए यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड का, आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन होता है, जिसमें आपको अपना फुल नेम भरना है, अपनी एज, मेल फीमेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंट्री, अपना एड्रेस, सिटी, स्टेज, पर्सन नेम और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, और उससे आपका क्या रिश्ता है वो भी आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है, आप किस चीज़ से आ रहे हैं, प्राइवेट कार, टैक्सी, जो भी है आप वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। देखिए हेलीकॉप्टर भी इन्होंने दे रखा है और वॉकिंग भी यहाँ इन्होंने दे रखा है। तो फिलहाल मैं यहाँ बस से जाऊँगा, तो फिलहाल मैंने यहाँ देखिए बस सेलेक्ट किया और बस सेलेक्ट करते ही यहाँ ड्राइवर नेम का ऑप्शन आ चुका है, उसका नंबर आ चुका है, इसको हम ब्लैंक ही छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ अपना एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड करना है और यहाँ से आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करके आधार कार्ड अपलोड करना है, और जो वैक्सीनेशन है इसको आप ले ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो चलिए ये डिटेल में जल्दी से फिलअप कर लेता हूँ और देन मैं आपको दिखाता हूँ कि हमको किस किस तरह के ऑप्शन के अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ देखिए मैंने बस सेलेक्ट किया है, ड्राइवर ने मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है और यहाँ मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया, अपना आधार कार्ड अपलोड कर दिया है। अब मैं सीधा फ्रिज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके और भी मेम्बर हैं तो आप सेव एंड ऐड मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। तो यहाँ फिलहाल मैं अकेला ही हूँ, तो इसलिए मैं सीधा फिनिश वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, देन ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और देखिए यहाँ मेरे सामने मैसेज आ चुका है सक्सेसफुली का और मेरा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए डाउनलोड PDF का ऑप्शन आ चुका है, इसको यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मेरा पूरा ई पास बन चुका है और हेमकुंड साहिब इसने डेट भी इसने मुझे मेंशन कर दी है। अगर आपका प्लान चेंज होता है, आप इस प्लान को चेंज करना चाहते हैं कि कोई डेट मान लिया चेंज हो गए, तो आप इस वाले ऑप्शन में क्लिक करिए मैनेज योर ट्रिप पे और आपको यहीं एक ऑप्शन दिखाई देगा एडिट करने का, इस पर क्लिक करके आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, आप कोई सी भी डेट यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो आप इस तरह बहुत ही आराम से हेमकुंड साहिब के लिए ई पास बना सकते हैं या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हालांकि हम इसे ई पास ही बोलेंगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन में तो कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन यहाँ इन्होंने लिमिट लगा रखी है कि इतने ही बंदे हेमकुंड साहिब जा सकते हैं। अगर आपको ई पास क्रिएट करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका ये ई पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दूंगा बिना कोई चार्ज लिए, ताकि आप आराम से अपनी यात्रा कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।